त्रिभुज के गुणधर्म के अंतर्गत आज हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हम त्रिकोणमिति के द्वारा देखेंगे, उसका हम सूत्र देखेंगे। तो उसके पहले मैं एक प्रश्न लेता हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल के सूत्र बताने के पहले मैं एक प्रश्न लेता हूँ। यदि ए बी सी समानांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि यदि ए बी सी समानांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A/2 into sin C/2 = sin B/2। ये हमारा प्रश्न है। यदि ए बी सी समानांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A/2 sin C/2 = sin B/2। इस प्रश्न को हल करने के पश्चात हम त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित सूत्रों का अध्ययन करेंगे। अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। (2 sin A/2 into sin C/2) = हम साइन ए बाई टू का इसका सूत्र हम जान चुके हैं, साइन सी बाई टू का भी सूत्र हम जान चुके हैं। इनके जो सूत्र है इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 √S-B/SC (S-B/SC/BC) तो ये साइन ए बाई टू का सूत्र है, (√S-B/SC/BC) into (√S-C/2) का हम सूत्र यहां पे रखेंगे, (S-A/S-B/AB). यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो (√S-B) into (√S-B) जब इसको हम दो बार इंटू करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2S-B। यहाँ पे ये (√B) into (√B) है, जब इसको इंटू करेंगे ये दो बार इंटू होगा, (√B) into (√B) ये हमें मिलेगा B। जैसे कि 25 (√25) into (√25) ये हमें मिलेगा 25। क्यों? 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5, 5 × 5 = 25। उसी तरीके से (√B) into (√B) ये हमें मिलेगा B। (√) यहाँ पे अब देखते हैं अंश में क्या क्या बचा, ये (√S-B) into (√S-B) हो गया (S-B), ये (S-C) (S-C) / ये (√B) into (√B) ये B हो गया, इसको हम इधर लिख लेते हैं B।
रूट से बाहर हो गया और ये हमें मिला सी ए टू अंडर रूट एस माइनस बी अपन बी अंडर रूट एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपन सी ए। इज इक्वल टू एस माइनस बी अपान बी। यहां पे काम करते हम, ये टू को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू टू एस माइनस टू बी अपान बी अपान बी, क्योंकि हम 2s का मान जानते हैं। 2s जो होता है त्रिभुज का परिमाप है, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योगफल। 2s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, 2s इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, ताकि हम वहां पे 2s की वैल्यू हम रख सकें। 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये होता है 2s इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस सी एस माइनस ए अपन सी ए इज इक्वल टू टू एस, टू एस की वैल्यू हम रखते हैं ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू बी अपन बी इंटू अंडर रूट एस माइनस सी एस माइनस ए अपान सी ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू बी अपान बी अंडर रूट एस माइनस सी एस माइनस ए अपान सी ए इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टू बी माइनस बी ए माइनस बी प्लस सी अपान बी इंटू अंडर रूट एस माइनस सी एस माइनस ए अपान सी ए। यहां पे हमें यह दिया गया है कि ए बी सी समानांतर श्रेणी में है। जब ए बी सी समानांतर श्रेणी में है तो बी समानांतर माध्य होगा। ए बी सी समानांतर श्रेणी में एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो बी होगा समानांतर माध्य। तो बी इक्वल टू होगा ए प्लस सी अपान टू, तो ये हो जाएगा टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। तो यहां पे हम a प्लस सी के स्थान पे 2b रख सकते हैं, a प्लस सी के स्थान पे हम 2b रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा टू साइन a बाई टू इंटू साइन सी बाई टू इज इक्वल टू ए प्लस सी के स्थान पे हम रखेंगे टू बी, टू बी माइनस बी अपान बी इंटू, और ये जो हमारा ये जो आ गया ये किसके इक्वल है, ये जो इक्वल है साइन बी बाई टू के इक्वल है, साइन बी बाई टू इसके इसके स्थान पे हम रख सकते हैं साइन बी बाई टू, साइन बी बाई टू। टू बी में से बी माइनस हो जाएगा, टू बी में से बी माइनस हो जाएगा, तो बी बचेगा बी अपान बी इंटू साइन बी बाई टू। बी से बी कैंसिल हो गया तो ये हमें मिला इज इक्वल टू साइन बी बाई टू आर एच एस, ये हमें लाना था।
टू साइन ए बाई टू इंटू साइन सी बाई टू इज इक्वल टू साइन बी बाई टू, ये हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध हुआ। इसके पश्चात हम लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम त्रिकोणमिति के द्वारा। त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी। ए बी सी कोण ए कोण बी कोण सी, जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि कोण ए के जो सम्मुख भुजा है उसको हम ए से व्यक्त करते हैं, स्मॉल ए से इस भुजा की लंबाई को। कोण बी के सम्मुख भुजा को हम स्मॉल बी से व्यक्त करते हैं और कोण सी के सम्मुख भुजा को हम स्मॉल सी से व्यक्त करते हैं। हमें यहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है त्रिकोणमिति का यूज करके, उसका प्रयोग करके। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम व्यक्त करते हैं, उसको व्यक्त किया जाता है क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एक बटा दो, एक बटा दो बी सी, बी सी साइन ए। देखिए यहाँ पे ये इसके बराबर होता है एक बटा दो बी सी साइन ए। जैसे यहां पे हम देखते हैं बी और सी, इसके बीच में कोण ए है, बी और सी के बीच का कोण ए है, और इसका जब हम कोण बी को लेंगे, इसको लेंगे तो ये सी और ए आ जाएगा एक बटा दो सी इंटू ए साइन बी, और फिर एक बटा दो जब हम कोण सी को लेके चलते हैं तो ये भुजा ए और बी आ जाएगा ए बी साइन सी वन अपॉन टू, ए बी साइन सी वन अपॉन टू, सी ए साइन बी वन अपॉन टू, बी सी साइन ए। इसके द्वारा हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को व्यक्त करते हैं। तो इसमें से हम एक आध फर्स्ट का हम प्रूफ लेंगे, पहला का प्रूफ लेंगे हम। उपपत्ति, सबसे पहले हमने एक त्रिभुज, जैसे कि यहां पे हमने लिया है एक त्रिभुज एबीसी है और जिनकी भुजाओं को हम ए बी सी से व्यक्त किए हैं, कोण ए के सम्मुख भुजा ए, कोण बी के सम्मुख भुजा को बी और कोण बी के सम्मुख भुजा को स्मॉल सी से हमने व्यक्त किया है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम ए से
शीर्ष ए से भुजा बी सी पर हमने लंब डाला ए एन, भुजा बी सी पर हमने लंब डाला ए एन। अब लंब जब ये हुआ है, ए एन लंब है, तो इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, दोनों तरफ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अब हम लेके चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी एन में, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी एन में इसको हम कोण बी को हम न्यून कोण लेके चल रहे हैं, ये न्यून कोण है, इसके सापेक्ष हम अनुपात लिखते हैं साइन बी। साइन होता है लंब बटे कर्ण, साइन होता है लंब बटे कर्ण, ये तो लंब है, ए एन लंब है लंब, और 90 डिग्री के सम्मुख भुजा जो होता है वो कर्ण होता है, तो ए एन लंब लंब बटा कर्ण ए एन बटा ए बी, ए एन बटा ए बी, ए एन बटा ए बी। इस इम्प्लाइज दैट ए एन इज इक्वल टू ए बी साइन बी, ए बी साइन बी इम्प्लाइज दैट ए एन इज इक्वल टू ए बी, ए बी है हमारा सी, सी के बराबर है, ए बी को हम सी से व्यक्त किए हैं, सी इंटू साइन बी, ए एन, ए एन इज इक्वल टू सी इंटू साइन बी, ए एन का मान हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एक बटा दो आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर एक बटा दो आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब हम ये त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। अब इसमें जहां पे लंब पड़ा है, लंब किस पे पड़ा है, बीसी पे, बीसी पे लंब पड़ा है, तो इसको हम लेंगे आधार एक बटा दो आधार बीसी। और जो लंब होता है त्रिभुज में, जो लंब होता है वही ऊंचाई होता है, ऊंचाई ए एन एक बटा दो बी सी इंटू ए एन इज इक्वल टू वन अपॉन टू बी सी, बी सी है हमारा बी सी आधार है ये, इसको हमने ए से व्यक्त किया है, और ए एन का मान हमें मिला है सी इंटू साइन बी, सी इंटू साइन बी तो ये हो गया एक बटा दो ए सी, एक बटा दो ए सी साइन बी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। इसको हम डेल्टा से व्यक्त करते हैं, एक बटा दो ए सी साइन बी, एक बटा दो। उसी प्रकार से ये बाकी सूत्रों को भी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, बाकी सूत्रों को भी हम सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोण बी है तो भुजा ए और सी आया है, ए और सी के बीच का कोण बी, जैसे ए और बी लेंगे तो कोण बी सी आएगा, अगर बी और सी लेते हैं तो कोण ए आएगा। अभी लंब हमने ए से डाला है, उसी प्रकार से एक बार लंब हम कहाँ से डालेंगे, बी से लंब डालेंगे, तो ये ए सी आधार हो जाएगा, फिर एक बार लंब हम डालेंगे सी से लंब डालेंगे, तो बाकी चीज़ों को भी, बाकी सूत्रों को भी हम इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने संबंधित और कुछ सूत्र मैं बता रहा हूँ।
क्षेत्रफल बराबर, जब हमें दो कोण और बीच का भुजा ज्ञात होगा, तो तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ए स्क्वायर साइन बी इंटू साइन सी, साइन बी इंटू साइन सी अपान टू साइन बी प्लस सी, ए स्क्वायर साइन बी इंटू साइन सी अपान टू साइन बी प्लस सी। अभी हम यहाँ पे देखते हैं बी और सी, ये एंगल है, इसके बीच का भुजा क्या है, ए है। यदि हमें ये दो एंगल बी और सी और उसके बीच की भुजा, ए, ये अगर पता हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम बाकी सूत्रों को भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे बी और सी के लिए बीच का भुजा ए है, ए और बी के लिए सी है, ए और सी के लिए बीच की भुजा बी है, बाकी और क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे बी स्क्वायर हमने लिया, तो बी स्क्वायर जब हम लेंगे तो सी और ए आएगा, साइन सी इंटू साइन ए अपान टू साइन सी प्लस ए, बी स्क्वायर साइन सी इंटू साइन ए अपान टू साइन सी प्लस ए। यदि हम जब सी को लेके चलते हैं, सी स्क्वायर ये हो जाएगा ए और बी साइन ए इंटू साइन बी अपान टू साइन ए प्लस बी, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ये दो कोण और बीच की भुजा ज्ञात हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र के द्वारा भी हम बता सकते हैं। तो इन सूत्रों के द्वारा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें दो कोण और बीच की भुजा अगर ज्ञात हो तो अब इसके पश्चात हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब यदि भुजा बी बराबर वर्गमूल तीन धन एक, भुजा सी बराबर दो और कोण ए बराबर 60 डिग्री, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि बी बराबर वर्गमूल तीन धन एक, सी बराबर दो और कोण ए बराबर 60 डिग्री है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें दो भुजा और बीच का कोण दिया है, तो हमको जो मान दिया गया है उस मान के आधार पे हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल बराबर हमें बी सी भुजा बी और सी का मान दिया है साथ में कोण ए का। जैसे ये त्रिभुज हम लेते हैं ए बी सी, ये हो गया ए, ये बी और ये सी, बी और सी और बीच का कोण हमें दिया है, तो उसके आधार पे हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 बी इंटू सी, बी सी इंटू साइन ए, हमें इस सूत्र का प्रयोग करना होगा 1/2 बी इंटू सी इंटू साइन ए। 1/2 बी का मान है वर्गमूल 3 + 1 √3 + 1, सी का मान है 2 इंटू साइन ए, ए 60 डिग्री। इज इक्वल टू क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। ये यहाँ पे ये 2 नीचे है और ये 2 ऊपर है, ये कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। √3 + 1 साइन 60 √3/2 साइन 60 √3/2 साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2। अब ये √3 का गुणा यहाँ पे कर देते हैं, √3 × √3 = 3, 1 × √3 √3 / 2, 3 + √3 / 2, क्षेत्रफल को हम वर्ग से मापते हैं तो ये हो जाएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 3 + √3 / 2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ये आंसर। ये त्रिभुज, दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो गया। तो यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें जो मान दिया जाएगा उसके आधार पे हमें सूत्रों का प्रयोग करना है। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ए बराबर 3, ए बराबर 3, कोण बी बराबर 60 डिग्री और कोण सी बराबर 30 डिग्री, कोण सी बराबर 30 डिग्री, 30 अंश। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, जहाँ की भुजा ए का मान हमें दिया है 3, कोण बी का मान दिया है 60 डिग्री और कोण सी का मान दिया हमें 30 डिग्री। जैसे ये त्रिभुज एबीसी हम लेते हैं, यहाँ पे एबीसी, ए बी सी, तो यहाँ पे ये हमें बी और ये सी दिया है, साथ में बीच की भुजा दी गई है। तो जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हमें मानों के आधार पे त्रिभुज के जो मान दिए गए हैं कोण या भुजा, उसके आधार पे हमें सूत्र का चुनाव करना है, उसके आधार पे हमें सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे ये दो
कोण दिया है और बीच की भुजा दी गई है, तो इसके लिए हम इससे संबंधित जो सूत्र है उसका हम प्रयोग करेंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, ये सूत्र होता है ए स्क्वायर साइन बी इंटू साइन सी, ए स्क्वायर साइन बी इंटू साइन सी, साइन बी इंटू साइन सी अपान टू साइन बी प्लस सी, टू साइन बी प्लस सी, ए स्क्वायर साइन बी इंटू साइन सी अपान टू साइन बी प्लस सी। इस सूत्र में ये दिए गए मान हम रखेंगे, b का मान हमें पता है, कोण b का मान पता है, कोण c का मान पता है हमें, और भुजा a का मान हमें ज्ञात है। तो ये a का मान हम रखते हैं 3 स्क्वायर साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री अपान 2 साइन b का मान है 60, c का है 30। क्षेत्रफल बराबर 3 स्क्वायर 9 साइन 60 रूट 3 बाई 2 साइन 30 1 बाई 2 अपान 2 साइन 90 साइन 90 9 रूट 3 अपान 4 2 साइन 91, ये 4 नीचे आ जाएगा, 9 रूट 3 अपान 8 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल को हम वर्ग से मापते हैं, वर्ग इकाई। ये हो गया दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो अभी हमने क्या किया, जैसे मान दिया गया था उस मान के आधार पे, उस मान के आधार पे हमने सूत्र का प्रयोग किया। जैसे हमें दिया गया था कोण B का मान दिया गया है और कोण C का मान दिया गया है, और A बराबर दिया गया है 3, भुजा A का मान दिया है 3, तो इसके आधार पे हमने सूत्र का चुनाव किया। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल A स्क्वायर साइन B इंटू साइन C अपान 2 साइन B प्लस C। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमें ये कोण दिया है, बी दिया है और सी दिया है, और बीच की भुजा दी गई है। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे इन मानों को यहाँ पे हमने रख दिया। ए का मान 3 साइन बी, बी का मान है 60 डिग्री, कोण सी का मान है 30 डिग्री अपान 2 साइन 60 प्लस 30। तो साइन 60 रूट 3 बाई 2 साइन 30 1 बाई 2 टू साइन 90, साइन 90 होता 1। 9 रूट 3 2 इंटू 2 4, ये 4 नीचे आ गया तो हो गया 9 रूट 3 अपान 8, वर्ग इकाई। ये हमारा आंसर हो गया, दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो इसी के साथ आज का यह कक्षा समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।